सरलीकरण में सिंप्लीफिकेशन है, इसमें मेनली बोर्ड मास का प्रयोग किया जाता है किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए। तो लिखेंगे बोर्ड मास का, तो लिखेंगे सरलीकरण, सरलीकरण में बी ओ डी मास एम एस मास के द्वारा प्रश्न को हल किया जाता है। अब इसका बोर्ड मास का फुल फॉर्म लिख देते हैं एक बार। 20 होता है ब्रैकेट बी आर ए सी के ए टी ब्रैकेट, और इसका मतलब हुआ ये, इसमें तीनों पर ब्रैकेट आएगा है। उसी तरह है ओ का मतलब है ऑफ, और ऑफ का मतलब हो जाएगा का, हिंदी में रहेगा का होगा और इंग्लिश में रहेगा तो ऑफ रहेगा। डी डी है डिवीजन मतलब भाग, डी आई वी आई एस ओ एन, डिवीजन मतलब हो जाएगा भागा। उसके बाद एम, एम मल्टीप्लिकेशन होगा, एम यू एल टी आई पी एल आई सी ए टी आई ओ एन, मल्टीप्लिकेशन मतलब हो गया गुना। ए, ए का मतलब हो जाएगा एडिशन, एड ए डबल डी आई टी आई ओ एन, एडिशन मतलब हो गया जोड़। और उसके बाद हो गया एस सब डिवीजन, एस यू बी टी आर ए टी आई ओ एन सब डिवीजन मतलब हो गया घटा। अब देखिए इसका जो प्रयोग है, अगर कोई प्रश्न रहेगा उसमें ब्रैकेट का प्रयोग किया हुआ तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद का सॉल्विंग होगा, उसके बाद भाग का सॉल्व करेंगे मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जिस तरह से दिया हुआ है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का होगा, उसके बाद एडिशन होगा, उसके बाद घटाव का सब डिवीजन होगा। तो एक प्रश्न को देखते हैं इसी तरह से। देखिए प्रश्न है, प्रश्न है इसमें क्या, देखिए एक प्रश्न देखते हैं। 80 माइनस 5 गुने 4 प्लस 10 माइनस 9 भागा 3, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो लिखेंगे 80 माइनस 5 गुने 4 प्लस 10 माइनस 9 भागा 3। अब इसमें देखिए ब्रैकेट का प्रयोग तो नहीं है, ठीक है ना, का भी प्रयोग नहीं है, तो अब पहले क्या होगा किसका, भाग का। तो उसके लिए पहले लिखेंगे 80 माइनस 5 गुने 4 प्लस 10 माइनस, अब ये 9 भाग देंगे, 3 3 9 होता है 3, इसका मान निकल जाएगा। अब देखिए जोड़ का क्रिया तो होगा नहीं, अंतिम होगा घटाव का, सबसे पहले क्या होगा इसमें गुना का क्रिया होगा। तो 80 माइनस 4 5 20 प्लस 10 माइनस 3। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये 10, ये 80 और 10 90 हो जाएगा, और माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23। अब 23 को भी इसमें से घटाएंगे तो 7, ये हो गया 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 66 इसका 1/2 माइनस ब्रैकेट 2 पूर्णांक 1/4 भागा मंझली ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट 1 पूर्णांक 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसका क्रिया छोटी ब्रैकेट का होगा, तो इसको पूर्णांक में सबको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि कोई क्रिया नहीं हो रहा है। तो ये होगा 3 2 6 7/3 2 माइनस अब ब्रैकेट चलाइए, ये होगा 4 8 1 9/4 भागा सेम उसी रहेगा ब्रैकेट, उसके बाद 5/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट। अब इसको देखिए ये भी होगा 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, और 7/2 माइनस 9/4 भागा मंझली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट। अब इस सब का क्या कर देते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं तो हो जाएगा 6। अब दो बार इसको दो बार पढ़ेंगे तो 3 2 3 3 9 9, और ये दो बार तो 2 और ये 1 ब्रैकेट के बंद करिए। अब 7/2 माइनस ब्रैकेट 9/4 भागा
पाँच बटे चार माइनस एक बटे दो, अब ये क्या होगा, तीन को, यानी कि ये हो जाएगा छः, यानी छः बटे छः। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट 9/4 भागा, अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/4 माइनस ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये कट के एक होगा गुना होकर, अब मल्टी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट का क्रिया खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं इस तरह, देखिए 7/2 माइनस ब्रैकेट अब 9/4 भागा, अब इन दोनों का जो है मल्टी ब्रैकेट में क्रिया करते हैं, 4 तो 5 और इसमें 2 बार, तो 2 होगा मल्टी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं फिर से, अब ये जो है 7/2 माइनस बड़ी ब्रैकेट 9/4 भागा, अब भागा 3/3 हो गया 4 बड़ी ब्रैकेट, अब 7/2 माइनस 9/4 गुणे 4/3, अब देखिए 4 4 से मैं कट गया ये और ये, 3 बार हो गया, अब इसमें निकलेगा 7/2 और -3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 - 6/2, तो इसका मान आएगा 1/2, इसका हो जाएगा 4 पूर्णांक 2/5 प्लस 3 पूर्णांक 3/4 भागा 3 पूर्णांक 1/8। तो पहले इसको पूर्णांक का पूर्णांक को तोड़ते हैं, 4 5 20, 20 2 22/5 प्लस 12 3 15/4 भागा अतिरिक्त 24 1 25/8। अब देखिए इसमें भागा है तो पहले भाग क्रिया होगा, तो 22/5 प्लस 15/4 गुणे 8/25, तो अब इसको देखिए 4 एकम 4 दूनी 5 25 5 3, 22/5 प्लस 6/5, तो देखिए नीचे का जो सेम है तो सीधा जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 28/5। अब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 5 25 बचेगा 3/5, इसका हो जाएगा आंसर। देखेंगे 2/5 का 1/2 प्लस 7/8 गुणे 4/5 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट 2/3 अब भागा 4/5 अब प्लस 3/4, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2/5 गुणे हो जाएगा 1/2 प्लस ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, तो इसमें पहले इसको रखते हैं इस समय 7/8 गुणे 4/5 माइनस 2/3 गुणे 5/4, क्योंकि भागना है तो गुना हुआ कर जाएगा, और प्लस 3/4। अब देखिए ये सेम है तो काट देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी 1/5 ऐसे नहीं करना चाहिए था, फिर कर देते हैं प्लस ब्रैकेट, अब ये देखिए ये और ये 1 बार ये 2 बार, तो 7/10 5 दूना 10 होगा ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट में, ये देखिए 1 बार में 2 1, तो ये भी होगा 5/ हो जाएगा 6 प्लस 3/4। अब देखिए 1/5 प्लस 7/10 माइनस 5/6 प्लस 3/4, अब इसका एक ही बार में लघुत्तम लेंगे, इस सब का लघुत्तम जो है वो आ जाएगा 60। अब देखिए इसको कितने बार में 60 पूराएंगे, तो 12 5 60, तो 12 होगा प्लस 6 7 42, 42 माइनस, अब इसको देखिए 10 बार में 10 5 50 प्लस कई बार में 15 6 60, 15 3 45, अब इसको प्लस वाला 3 जोड़ते हैं, 5 2 7 7 2 9, 4 4 8 1 9 60, अब इसका मान हो जाएगा ये कटेगा 4 49 49/60 इसका आंसर। तो 2 ब्रैकेट -x/3 ब्रैकेट 7/2, अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, तो 10x/3 अभी रखेंगे इसे प्लस 5/2, अब इसका क्रिया करते हैं, तो देखिए इसको 3 बार करेंगे ऊपर में, 6 - x/3 = 7/2,
अब इसको देखिए, 10x/3 प्लस ऊपर का गुणा कर देते हैं, देखिए 6×5 30, 30 माइनस हो जाएगा 5x, अब बटे ये दोनों गुना होकर 6 हो जाएगा, बराबर में 7/2। 10x/3 प्लस अब ये दोनों को अलग करते हैं, देखिए नहीं से ही लिख सकते हैं लेकिन अलग कर देने में तो सुविधा होगा, 6-5x/6 बराबर हो जाएगा 7/2। अब देखिए इस सब का लघुत्तम ले लेते हैं, 6 2×20x+30-5x=7/2। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये काट देंगे, नीचे नीचे कट सकता है, तो 3 होगा, इधर ख़त्म हो गया। अब देखिए 20x+30-5x अब बराबर हो जाएगा 7×21 हो गया। अब इसका मान हो जाएगा, देखिए ये 4×4 5 2 माइनस होगा 20 में से 15 5 जाएगा, तो 15x, और इधर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो इसमें से प्लस में से जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान जो है लिखते हैं, फिर x बराबर हो जाएगा 9/15, और काटेंगे तो इसका मान हो जाएगा यानी 3/5, ये भी माइनस में क्योंकि ये इधर आके माइनस कर देगा आंसर।